are working or what? Excuse me, ma'am. Excuse me, this is not working or what? It's working. Huh? What is the difference? Nobody over there. You have to stand. Thank you so much. Yeah, thank you. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति राव ब्लॉग्स। मेरा नाम है हरीश। नया दिन, नया सफ़र। जी हाँ, मैं पहुंच चुका हूं टर्मिनल 2 बैंगलोर एयरपोर्ट पे और आज मैं सफ़र कर रहा हूं बैंगलोर टू दिल्ली। तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस टर्मिनल 2 बैंगलोर एयरपोर्ट का आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इनफैक्ट एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने से लेके फ़्लाइट के अंदर बैठने तक का, मतलब फ़्लाइट बोर्डिंग का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। इनफैक्ट डिजी यात्रा ऐप के बारे में मैं बात करूंगा, उसका भी आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं डिजी यात्रा ऐप को यूज़ करते हुए ही एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने वाला हूं। एंड आपका सिक्योरिटी चेक इन क्या होता है उसके बारे में भी गोना डिस्कस, ऑफ ए फ़्लाइट बोर्डिंग का वो सारा, और इनफैक्ट मैं पूरा एयरपोर्ट का आपको एक वॉकिंग टूर भी करा के दूंगा, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कितना ज़्यादा सुंदर है बैंगलोर एयरपोर्ट। और अगर बात करें बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की, तो जैसे ही आप टर्मिनल 2 पहुँचेंगे यू विल सी अ लॉट मैनी पीपल, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अपने रिलेटिव्स को ड्रॉप करने आए हैं। वो हर एक एयरपोर्ट पे होता है, बट टर्मिनल 2 बैंगलोर एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी ले रहे हैं। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, आप एंट्री करने का सोचेंगे, तो यू विल सी, मतलब ये बहुत सारे ऐसे गेट हैं जो अवेलेबल हैं, बट हमने डिजी यात्रा ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ है। इससे आपका एंट्री बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको उस ऐप में अपने फ़ोन में अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग की डिटेल्स प्लस अपना ID अपडेट करना है और ऐसे डिजी यात्रा लाइन में लग जाना है। एंड सी द लाइव एग्जाम्पल, अभी कैसे एंट्री में करने वाला हूँ। हाँ, सो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी एयरपोर्ट में एंट्री हो चुकी है एंड इट वाज सो स्मूथ, मतलब मुझे टू मिनट्स में ही लगे, आई थिंक वी जस्ट टुक 30 सेकंड्स में हमारा एयरपोर्ट पे एंट्री हो चुका है। एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डिजी यात्रा ऐप। क्या करना है आपको, अपना वेब चेक इन करके आपको अपना फ़्लाइट का डिटेल्स इस ऐप में अपडेट करना है, अपना आधार कार्ड का डिटेल या वोटर आईडी का, मतलब कोई भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ की डिटेल्स इसमें अपडेट करनी है, एंड यू आर गुड टू गो। आपको डिजी यात्रा ऐप में फ़ायदा ये है कि आपको लाइन में नहीं लगना है, आपको एयरपोर्ट पे पहुंच के 15 से 20 मिनट सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए ही आपको 15 से 20 मिनट नहीं वेस्ट करने हैं। इट इज़ वेरी स्मूथ एंड आई वुड रिकमेंड एवरीबडी जो भी एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा है डिजी यात्रा ऐप से ही ट्रैवल करे, मतलब उसका पूरा यूज़ करे। एंड ये अक्रॉस इंडिया में 5 से 6 एयरपोर्ट पे अवेलेबल है, ये सर्विस अवेलेबल है।
तो जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं, यू गाइस कैन सी द वाइब, द इंटीरियर, मतलब आप इंटीरियर देखो, ये एयरपोर्ट का मतलब इतना सुंदर बेहतरीन एयरपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखा है दोस्तों। सी द कॉफ़ी शॉप है, मतलब एयरपोर्ट पे, हर एयरपोर्ट पे यू विल सी द कॉफ़ी शॉप्स एंड एवरीथिंग, बट लुक एट द इंटीरियर। ये देखिए ना, रूफ़ पे देखिए, मतलब किस हिसाब से इंटीरियर कितना ज़्यादा अच्छा है। और हम आज ट्रैवल कर रहे हैं एयर इंडिया से। एयर इंडिया का काउंटर आप देख सकते हैं राइट साइड में है। मेरे पास जो बैग्स हैं वो मेरे कैबिन बैग्स हैं, दो छोटे बैग्स हैं, तो मुझे बैग्स को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बैगेज को चेक इन कराने को कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अब आई विल बी कीपिंग इट टू माई सेल्फ, मैं बैग्स को फ्लाइट के अंदर ले जाऊंगा, क्योंकि उनका दोनों का जो बैग्स का जो वेट है वो इट इज़ नॉट मोर देन आई थिंक 10 kg, तो छोटे छोटे बैग्स हैं, तो मुझे वो बैग्स को वेब चेक इन नहीं कराना है, मतलब उन बैग्स को चेक इन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना बैगेज चेक इन कराना है तो यहाँ पर आपको लाइन में लगना होगा, आपको अपना टिकट दिखाना होगा, बुकिंग दिखाना होगा, और आप अपना बैग्स को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। एयर इंडिया में आप 20 kg तक का वेब बैगेज का चेक इन करा सकते हैं, और 7 kg तक का आप हैंड बैग प्लेन के अंदर ले जा सकते हैं। और गाइस लुक एट द इंटीरियर, मतलब यहाँ पर काउंटर हैं अलग अलग एयरलाइंस के, लेफ्ट में अपना एयर इंडिया है, सामने आई थिंक इंडिगो का है, यहाँ पर लेफ्ट में कॉफ़ी शॉप है, और मतलब सामने, अब मैं आपको अगर एक चीज़ मैं बताऊँ तो सामने इंटरनेशनल, अगर कोई भी डिपार्चर है तो सामने इंटरनेशनल डिपार्चर का एंट्री है, मतलब आपने अपना टिकट यहाँ से काउंटर से लिया, अपने बैग से ड्रॉप किए, और वहाँ पर आप लेफ्ट में इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए आपको जाना होगा, राइट साइड में डोमेस्टिक डिपार्चर है, तो अपना डोमेस्टिक है क्योंकि हम आज ट्रैवल कर रहे हैं बैंगलोर टू दिल्ली, तो हमारा राइट साइड से एंट्री होगा। मैं राइट साइड का पूरा इंटीरियर, मतलब ये देखिए रूफ़ पे आप इन लोगों ने कैसे, मतलब कितना अमेजिंग तरीके से ये लाइट है या बेल है, क्या मतलब कितना ग्रीनरी है, आई थिंक ये प्रॉपर ग्रास है, ये मतलब प्रॉपर इट्स ब्यूटीफुल यार। मतलब मैंने टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल किया है, मैंने पटना में आप लोगों का शेयर किया था, अहमदाबाद देखा था हमने, मतलब वो एयरपोर्ट कितने सैड हैं, और बैंगलोर का ये टर्मिनल 2 इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट यार। मतलब आप दुनिया में आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, एक सिंगापुर एयरपोर्ट को छोड़ के, मतलब मैंने सिंगापुर एयरपोर्ट के बारे में बहुत सुना है, कुछ वीडियोस देखी हैं, उसके कंपैरिजन में टर्मिनल 2 लाइव एग्जांपल मैं आज देख रहा हूँ, बेस्ट दी बेस्ट। लेफ्ट में काउंटर है, राइट साइड में काउंटर है, डिफरेंट एयरलाइंस के लिए आप जिस भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं आप अपने काउंटर के पास आएंगे, अपनी टिकट का बोर्डिंग पास आप ले सकते हैं, ठीक है, आप अपना बैग्स को ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपके पास बड़े बैग्स हैं। एंड गाइस प्लीज़ हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर आपके पास जो आपको बैगेज जो चेक इन कराने हैं तो एयरलाइंस के हिसाब से अपना वेट बैग्स का रखना है, क्योंकि जैसे इंडिगो सिर्फ 15 kg अलाउ करता है, एयर इंडिया 20 kg अलाउ करता है, और उससे ज़्यादा अगर आपके पास सामान होगा तो दिल चार्ज यू है वेरी बिग अमाउंट पर kg, बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, 750,000 rupees। तो अब अपना हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर अपना वेब चेक इन मैंने किया हुआ था, मैंने अपना बोर्डिंग पास डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने बस वो स्कैन किया और हमारी एंट्री हो चुकी है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सिक्योरिटी चेक इन। सिक्योरिटी चेक इन इज़ बेसिकली कि आपका फुल बॉडी स्कैन चेकिंग होता है, आपके पास जो हैंड बैग्स हैं, जो छोटे बैग्स हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलाउड ना हो और आप उसको ले जाने की कोशिश करें, बस उसी सब चीज़ों की चेकिंग होती है, बहुत ही बेसिक सी है, और लाइन और रश इतना नहीं है। तो मैं इस लेडी से एक बार पूछता हूँ कि क्या डिफरेंस है। What is the difference? Nobody over there, you have to stand. Thank you so much. So हम प्रायोरिटी लेन से अपना सिक्योरिटी चेक इन करेंगे, यहाँ पर अपने बैग, मेरे पास जो बैग्स हैं दोनों, उसमें मतलब जो मेरे पास जिसमें कपड़े हैं बैग में उससे मुझे कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास जो दूसरा लैपटॉप बैग है मुझे लैपटॉप बाहर निकालना होगा, अपना मोबाइल पर्स हर चीज़ एक ट्रे में रखना होगा। दूसरा गाइस यहाँ कैमराज अलाउड नहीं है, सो मैं अपना सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद फिर आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ, एंड देन वी गोना टॉक एंड डिस्कस अबाउट द एंटायर प्रोसेस। दोस्तों सो
सो गाइज, मेरा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है. सिक्योरिटी चेक इन इज़ बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बैग्स की चेकिंग होती है, आपको अपना लैपटॉप एक अलग से ट्रे में रखना होगा, आपको अपना मोबाइल, पर्स, अपना बेल्ट, अगर आपके पॉकेट में कोई की चेन है, एनीथिंग, मतलब हर चीज़ आपको बाहर निकाल के एक ट्रे में रखना है, उसका स्कैन करते हैं. एंड बेसिकली आपका इट इज़ जस्ट टू फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे जाते हैं कि आप ऐसा कुछ भी ना कैरी करें जिससे फ़्लाइट में किसी को भी ट्रबल हो. ऑल राइट, एंड बहुत अच्छे से सिक्योरिटी चेक इन होता है. तो मतलब यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग. मतलब एयरपोर्ट पे जितने भी स्टाफ हैं या जो ये अपना आर्मी पर्सनल जो हैं आपके, जो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन पर ध्यान रखते हैं, तो वो दे विल गाइड यू. मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो घबराने वाला कुछ भी नहीं होता. यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड एंड यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड. आपको ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड मतलब तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइज. तो लेफ्ट में सारा सिक्योरिटी चेक इन आप देख सकते हैं. एंड मैंने आज तक एयरपोर्ट पे ये नहीं देखा, राइट साइड में देखे दोस्तों. राइट साइड में लाइव झरना बोलूँ क्या बोलूँ, अमेजिंग है यार, इट्स सो ब्यूटीफुल यार. मतलब बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 2, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट. अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्राई कीजिएगा कि टर्मिनल 2 से ही ट्राई आप फ्लाइट में. वैसे यहाँ पे आई थिंक विस्तारा और एयर इंडिया के ही यहाँ से प्लेन्स आते हैं, मतलब लैंड और टेक ऑफ करते हैं. बाकी टर्मिनल 1 जो है वहाँ से मेजॉरिटी, टर्मिनल 1 बैंगलोर एयरपोर्ट यहाँ से मात्र, मतलब आप पहले टर्मिनल 1 के सामने से निकलेंगे एंड देन आप टर्मिनल 2 के सामने आएंगे, मतलब पहुँचते हैं. तो वहाँ से मेजॉरिटी डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं. टर्मिनल 2 अभी रिसेंटली ही लॉन्च, मतलब को स्टार्ट किया गया है, कुछ महीने हो गए हैं. एंड इट इज़ अ बेस्ट एयरपोर्ट है. मेरा अभी तक एक्सपीरियंस, आई एम फीलिंग रियली गुड. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम लाइक, आई डोंट नो, कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं समवेयर आउटसाइड इंडिया एंड मैं बहुत ही एक डेवलप्ड कंट्री में हूँ जहाँ पर एवरीथिंग इज़ लाइक टेकन केयर ऑफ. बट हैट्स ऑफ टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड टू द एंटायर स्टाफ, बहुत अमेजिंग काम किया. और इंटीरियर बहुत अच्छा है, रूफ आप देख सकते हैं, अमेजिंग, दी बेस्ट यार. नेचुरल लाइट के लिए उन्होंने जो रूफ बनाया है, इट्स सो गुड यार. सो अब व्हाट आई एम गोना डू गाइस, मैं आपको एक बार अपना सिक्योरिटी चेक इन हो गया, बस हम अपना जहाँ से हमारा फ्लाइट है हमारा, मैं उस गेट के पास आपको ले चलूँगा, ठीक है, वहाँ आपको ले चलते हैं और मैं आपको एक पूरा एयरपोर्ट का एक वॉकिंग टूर आपको दे देता हूँ. सो यू गेट एन आइडिया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे खाने के, पीने के एंड शॉपिंग्स के, शॉपिंग का. दूसरा, राइट साइड में आपका ऐसे स्क्रीन लगा होगा एयरपोर्ट पे जहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपका जो फ़्लाइट है वो कौन से गेट नंबर पे आएगा, ठीक है, ए बी सी डी. यहाँ पर हमारा आई थिंक ए डी है, ए डी या ए बी है, वो मैं आपको अभी आगे दिखा देता हूँ. ऐसे स्क्रीन होता है टू हेल्प यू एंड टू गाइड यू कि अगर कभी भी गेट चेंज होता है, एट टाइम्स आपका फ़्लाइट का गेट चेंज हो जाता है कि जहाँ से आपको फ़्लाइट के अंदर एंटर करना है वो गेट चेंज हो गया, मतलब पहले 8 था तो अब वो 7 हो गया. जस्ट टू गिव यू गाइज एन अपडेट, मतलब ये स्क्रीन पे हमेशा नज़र रखनी है. दो अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, यू गाइज डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एंड लुक एट इट, यहाँ पर कुछ एंटीक्स रखे हुए हैं, मतलब आप देख सकते हैं, सो ब्यूटीफुल यार. मतलब मैंने नहीं देखा, ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस. इंडिया में तो नहीं देखा है, किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं देखा है. वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट, केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. चलो आप लेट्स गो टूवर्ड्स, थोड़ा अंदर चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और मैं आपको एक वॉकिंग टूर दिखाता हूँ. एंड आई विल शो यू दी ऑप्शंस फॉर फूड एंड शॉपिंग एंड एवरीथिंग दोस्तों. सो फर्स्ट कॉफ़ी शॉप टिम हॉर्टन कनाडा की, वेरी फेमस कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था टिम हॉर्टन का, बट ट्रस्ट मी इतनी कोई ख़ास कॉफ़ी है नहीं इनकी, इससे अच्छा, लाख गुना अच्छा है. अपना फिल्टर कॉफ़ी पीजिए या स्टारबक्स इज़ फार मोर बेटर देन टिम हॉर्टन्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस. एंड यू हैव लाइक, आपके पास देख सकते हैं लेफ्ट में राइट में
शॉपिंग के लिए ऑप्शन है। राइट साइड में आई थिंक शॉपर स्टॉप अभी आने वाला है, अभी दे हैव नॉट स्टार्टेड इट। लेफ्ट में मतलब ये प्रॉपर स्टोर है। एंड आप देखो ना, मतलब आप अंदर देखिए ये कैसे प्लांट्स लगाए हुए हैं। लेफ्ट में आपका फूड के लिए भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप सिटिंग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, आराम से सोफ़ा दिया हुआ है। मतलब सो ब्यूटीफुल एयरपोर्ट यार, मतलब मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि बहुत सुंदर है, एक्चुअली बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। जस्ट लुक एट इट। तो दोस्तों, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों को ले चलूँगा उस गेट के पास जहाँ से हमारी बोर्डिंग आज होनी है, मतलब फ़्लाइट के अंदर हमें जो बैठना है, वो आप सामने आप देख सकते हैं, ऐसे साइन बने होते हैं। हमारा है D8, तो D9 भी साथ में है, D8 राइट साइड में है। तो ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं आप, और अगर आगे वॉक करेंगे तो D8, D9, D7, D6, जहाँ से आपको आपका फ़्लाइट के अंदर एंट्री मिलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आके वेट करना है। अगर आप बहुत जल्दी आ गए हैं एयरपोर्ट, जैसे मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं आपको अपने गेट के सामने बैठना है, आप कहीं पर भी जाके बैठ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पर गेट के आसपास ही बैठें, ठीक है। और ताकि आपको अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो यू आर अवेयर ऑफ़ इट। बाकी ये कॉफ़ी शॉप है, रेस्टोरेंट टाइप है, आपको अगर कुछ भी खाना पीना हो सामने मेन्यू लगा हुआ है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस कि एयरपोर्ट पे एवरीथिंग एक्सपेंसिव। अगर आप एक कॉफ़ी भी पीने जाएंगे, एक बेसिक सी कॉफ़ी, कैपेचिनो या कुछ भी, तो वो भी आपको 300-350 रुपये की पड़ने वाली है। मतलब यू वुड पे एंड अप पेइंग अराउंड 350 रुपीज़ ईजी। कहीं नहीं गए पैसे, 350 रुपये तो लगने ही है, लगने हैं, ठीक है यार। अब अगर मैं बात करूँ, अगर एक बियर की बात करता हूँ, तो एयरपोर्ट पर एक बियर वुड कॉस्ट यू अराउंड 800 रुपीज़। एक कैन आपको किंगफिशर का आई थिंक 600-700 रुपये का मिलता है, 500 हाफ लीटर कैन ऑफ बियर वुड कॉस्ट यू अराउंड 600 रुपीज़ टू यू। मतलब 600 रुपये आप उसके देने वाले हैं हाफ लीटर बियर का। और जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि अभी बैंगलोर एयरपोर्ट को रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है, तो अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आप देख सकते हो ओपन नहीं हुए हैं, उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट ओपन नहीं हुए। और देखिए कैसे जिराफ के स्ट्रक्चर में कुछ रेस्टोरेंट ने बता क्या अमेजिंग काम किया है कि यहाँ पर उन्होंने लगाए हुए हैं जिराफ वाले। और मैं सोच रहा हूँ कि इस रेस्टोरेंट में जाके कुछ ट्राई किया जाए। बाकी ये रेस्टोरेंट में मतलब मैं बैठने से पहले एक बार इधर उधर वॉक करके देखता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है। इनके पास आई थिंक कॉफ़ी अवेलेबल है, साउथ इंडियन का भी है, सब कुछ अवेलेबल, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे बहुत सारा ऑप्शन है खाने पीने का,
इसके जस्ट अपोजिट में एक रेस्टोरेंट है, स्टारबक्स पीछे था, डी मॉडर्न पीछे था, अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को एक रेस्टोरेंट पे लेके गया हूँ। सो खाने पीने की कोई ऑप्शन प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट बार भी है यहाँ पे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यू विल हैव एवरीथिंग, जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा यार। बाकी थोड़ा सा ऐसा कुछ लुक है, सामने बड़े बड़े मिरर लगे हुए हैं, आप नीचे अगर आपका गेट बोर्डिंग गेट नीचे है तो आप नीचे जा सकते हैं स्टेयर से, सामने से ऐसा कुछ व्यू है। एंड यहाँ पर सोफ़े लगे हुए हैं, लोग सोफ़े पे मस्त सो रहे हैं, मतलब रेस्ट करने के लिए भी बहुत टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है, आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। बाकी अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपने गेट के पास, एंड हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है एंड अनाउंसमेंट हो चुकी है दोस्तों, तो अब चलते हैं फ्लाइट की तरफ। इकोनॉमी क्लास पैसेंजर सीट नंबर 25-33 प्लीज प्रोसीड। सो यू गाइज जस्ट सो आपने भी देखा कितना स्मूथ है, मतलब एवरीथिंग इज सो स्मूथ। यहाँ पर आपने फाइनली टिकट दिखाया और अब जा रहे हैं, आप वॉक करके अपनी फ्लाइट की तरफ बैठने जा रहे हैं, एंड उसके बाद थोड़े टाइम में आपको जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं आप उस डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ेंगे, मतलब आपकी फ़्लाइट आपको लेके चली जाएगी। तो मैं अभी आपको फ़्लाइट के अंदर का कैबिन व्यू दिखाता हूँ, उसको मत मिस कीजिएगा, एयर इंडिया का कैबिन व्यू कैसा है। और राइट, अभी आपकी दो बार और चेकिंग, मतलब आपकी टिकट्स चेक की जाएंगी, एक बार यहाँ पर चेकिंग होती है और एक बार फ़्लाइट के अंदर एंट्री करने से पहले आपको वापस से अपना टिकट दिखाना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर भी आपकी एक बार टिकट्स फाइनली चेक होती हैं, आपको अपने टिकट्स दिखानी होती हैं, और यहाँ उसके बाद फिर आपसे कोई आपकी टिकट नहीं पूछने वाला है। और अभी हम एंट्री करने वाले हैं फ़्लाइट के अंदर, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ एयर इंडिया का ऐसा होता है इंटीरियर। ये सामने वाली सीट्स जितनी भी हैं ये हैं बिज़नेस क्लास 2x2 की सीट्स हैं, बाकी आप यहाँ पर 3x3 की हैं, तीन लोग लेफ्ट में, तीन लोग राइट में, अपनी सीट पीछे है, ऊपर आप लेफ्ट साइड में बैग रख सकते हैं, राइट साइड में बैग रख सकते हैं ऊपर। सो ये है आज का पूरा मेरा एयरपोर्ट के एंट्री से लेके फ्लाइट में अंदर बैठने तक का
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये है अपनी सीट जिस पर हम बैठ चुके हैं, अपने बैग रख दिया है, और अभी थोड़ी देर में अपना सफ़र यहाँ से शुरू होगा। बाय बाय।